अच्छा अब देखो इनमें क्या रिलेशनशिप होती है. इंटरैक्शन बिटवीन द न्यूरॉन्स एंड द एस्ट्रोसाइट वर्क्स इन द फॉलोइंग वे. व्हेन द एक्टिविटी ऑफ द न्यूरॉन इज हाई, इमेजिन करो एक्टिविटी ऑफ द न्यूरॉन इज हाई रिक्वायरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लैक्टेट, इट सीक्रीट्स अ लॉट ऑफ ग्लूटामेट इन टू द क्लेफ्ट. ये मैं अभी दिखाऊंगी आपको. दिस स्टिमुलेट ग्लाइकोलिसिस लीडिंग टू द इंक्रीज इन द ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम द ब्लड. मोर लैक्टेट प्रोड्यूस एट द सेम टाइम. इस फिगर में नहीं है, सॉरी. ये डायग्राम जो है ये है. इस डायग्राम से आप कोऑर्डिनेट करना तो आपको सारी चीजें समझ आ जाए. कुछ ना समझ आए तो मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप कर देना, मैं फौरन आपको जवाब दूंगी उसका. और अगर इससे भी आपको समझ नहीं आए, क्योंकि मुझे अब बहुत पीछे जाना पड़ेगा, तो जो एक डायग्राम मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से ग्लूकोज इंटर हो रहा है और ग्लाइकोलिसिस, इस डायग्राम से भी आपको समझ आ जाएगा जो अभी जिस पे मैं गई, और नहीं तो उससे पीछे वाले पे आप चले जाना. सो व्हेन द एक्टिविटी ऑफ द न्यूरॉन इज हाई लार्ज अमाउंट ऑफ द लैक्टेट विल बी रिक्वायर्ड एंड इट सीक्रीट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूटामेट. दिस स्टिमुलेट ग्लाइकोलिसिस ग्लूटामेट. ये बात याद रखना वन करेक्ट आंसर के लिए. In the astrocytes, glycolysis is stimulated by glutamate, leading to an increase in the glucose uptake from the blood and ATP synthesis takes place. फिर देखो ये कितने मजे की ग्लूटामीन साइकिल है. वैसे तो मैं आपको अभी बता ही चुकी हूँ, ग्लूटामीन ग्लूटामेट ग्लूटामीन ग्लूटामीन ग्लूटामेट ग्लूटामीन. ये अभी जो पीछे डायग्राम था उसी को समराइज किया हुआ है. देखो टीसीएस साइकिल से अल्फा कीटोग्लुटरेट मिला, अल्फा कीटोग्लुटरेट ग्लूटामेट में चेंज हुआ, ग्लूटामीन सिंथेटिस से ये ग्लूटामीन बना, ग्लूटामीन जो है ये न्यूरॉन्स में गया, न्यूरॉन्स से फिर ग्लूटामेट बना, फिर ये टीसीए साइकिल में आया राइट, और फिर ये यहाँ पे लैक्टेट बना. सो ग्लूटामेट ग्लूकोज की एंट्री भी, ग्लाइकोलिसिस भी, अल्फा कीटो ग्लूटरेट बना. देखो अभी हमने पीछे एक पॉइंट देखा है कि ग्लूटामेट इंक्रीज ग्लाइकोलिसिस. ये क्यों करता है यार, इसको क्या मुसीबत आई हुई है कि ग्लूटामेट ग्लाइकोलिसिस को इंक्रीज करे. देखो ग्लूकोज इंटर होता है, ठीक है, ग्लूटामेट ग्लाइकोलिसिस को इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि ताकि ग्लूटामेट की फॉर्मेशन हो सके. देखो ये जो है ग्लूकोज, इट इंटर्स द टीसीए साइकिल, टीसीए साइकिल से अल्फा कीटोग्लुटरेट बना, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस से वो ग्लूटामेट में चेंज होता है, ठीक है, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस भी, पाइरूवेट बना, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस से वो एस्टाइल कोए में कन्वर्ट हुआ, एस्टाइल कोए टीसीए साइकिल में गया, टीसीए साइकिल में अल्फा कीटोग्लुटरेट बना, अल्फा कीटोग्लुटरेट ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस से ग्लूटामेट बनाएगा, फिर ये ग्लूटामीन में कन्वर्ट होगा, फिर ये ग्लूटामीन यहाँ आएगा, फिर ग्लूटामेट बनाएगा, एंड इन दिस वे दिस साइकिल गोज ऑन एंड द प्रोडक्शन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट इट स्टिमुलेट्स ग्लाइकोलिसिस. क्यों, ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी अगर ग्लूटामेट नहीं होगा तो ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे स्लो डाउन हो जाएगी. ग्लाइकोलिसिस अगर स्लो डाउन हो जाएगी तो पाइरूवेट कम बनेगा, एस्टाइल कोए कम बनेगा, अल्फा कीटोग्लुटरेट कम बनेगा, ग्लूटामेट की फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगी. देयरफॉर ग्लूटामेट इट स्टिमुलेट्स ग्लाइकोलिसिस टू कीप इट्स अमाउंट नॉर्मल.
ना ग्लूटामेट बनेगा, ना ग्लूटामीन बनेगा और ना ये रिसाइकलिंग होगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एस्ट्रोसाइट कंटेन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट होता है, फिर ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन भी होती है, ये हमने पीछे देखा था। बट इट इज़ अ शॉर्ट टर्म एनर्जी सोर्स। देखो यार, ग्लाइकोजन को ब्रेक करने के लिए भी तो एनर्जी रिक्वायर है ना, पूरी की पूरी एनर्जी तो अवेलेबल नहीं हो रही है। तो द मेन एनर्जी सोर्स इज द ग्लूकोज। एक्सेस ऑफ ग्लूटामेट कॉज अ चेंज इन, अब देखो तुम लोग अभी कह रहे थे ना कि हम एक्सटर्नल सोर्स से ले सकते हैं, अल्लाह वास्ते नहीं लेना, और अपने घर में भी मना करना चाइना सॉल्ट को। एक्सेस ऑफ ग्लूटामेट कॉजेज अ चेंज इन ऑस्मोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द इनर एंड आउटर एनवायरनमेंट, रिजल्टिंग इन वाटर इनफ्लक्स, एंड वाटर इनफ्लक्स इट लीड्स टू ब्रेन एडीमा एंड इम्पेयर न्यूरो ट्रांसमीटर एंड ग्लूटामीन ट्रांसमीटर्स। ये SNAT, ये कहीं पे पीछे आया होगा या आगे आएगा, ये क्या है, ग्लूटामेट या ग्लूटामीन ट्रांसपोर्टर है। ग्लूटामीन मैं पीछे डायग्राम पे जा रही हूँ दोबारा से, ये देखो ये SNAT 1 और 3 ये ग्लूटामीन ट्रांसपोर्टर्स है, ठीक है। ये सिंपली मैंने एब्रीवेशन बता दी थी, इसका ऑब्वियसली कोई रिलेशनशिप एसेट नहीं बन रहा है। तो एक्सेस ऑफ ग्लूटामेट, देखो नॉर्मल की बात नहीं की है, एक्सेस की है। बास लोगों की आदत क्या होती है कि कोई भी खाना बना रहे हैं थोड़ा सा चाइना सॉल्ट डाल दिया उसका टेस्ट अच्छा करने के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि मसला आप खड़ा क्या होगा। देखो एक्सेस ऑफ ग्लूटामेट causes a change in the osmotic pressure, और इससे फिर brain edema, impaired neurotransmitter function, transmission होती है। And ये मैंने end में इसलिए बता दिया था ताकि आप लोग ये ना पूछो कि ये है क्या चीज़। SNAT 1 and 3 are glutamine transporters।